Hello everyone, welcome in your favorite subject industrial hydraulics and pneumatic, code as a 22655 of 6 semester unit 2 pumps and actuator. Topic number 1, classification and working of gear pump. Lecture number 5th, prepared by Mrs. Amruta Mundale, lecturer in mechanical engineering department, NIT Polytechnic, Nagpur. Content of this lecture as classification of pumps, construction and working of gear pump. Discuss advantages, disadvantages and applications of gear. Learning outcomes. After completion of this lecture, you are able to classify pumps. Describe construction and working of gear pump. By this lecture, you have to map program outcomes as follows: PO1 to PSO3. Overview of last lecture. तो last lecture में हमने unit 1 को prepare किया है और बात करते हैं last lecture की, तो हमने discuss किया different types of ISO symbols used in hydraulics and pneumatics, hazard and safety in hydraulic or pneumatic. तो आइए देखते हैं pumps. सोचिए क्या होता है पंप्स. ये टर्म्स ऑलरेडी आपने 4 सेमेस्टर में हाइड्रोलिक्स में पढ़ा, कुछ सोचा? तो ये एनिमेशन आपको कुछ बता रहा है, समझने की कोशिश कीजिए. तो लोअर लेटर से लेवल से वाटर को सक करके हाई लेवल तक डिस्चार्ज करना, दैट इज द रोल ऑफ पंप. ऐसा हमने घर में भी यूटिलाइज करते हैं कि हमारा घर का अगर पानी है और हमें उसको ग्राउंड फ्लोर से हायर लेवल तक, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर तक पहुंचाना है, तो हम पंप लगाते हैं. तो दैट्स कॉल एज ए हाइड्रोलिक पंप्स. तो देखते हैं हाइड्रोलिक पंप्स. तो हाइड्रोलिक सिस्टम में हाइड्रोलिक पंप्स इज ए हार्ट. विदाउट हाइड्रोलिक पंप यू कैन नॉट वर्क हाइड्रोलिक सिस्टम. हाइड्रोलिक्स pump are used in hydraulic drive systems and can be hydrostatic or hydrodynamic. तो hydraulic pump जो होते हैं वो hydrostatic और hydrodynamic भी हो सकते हैं. ये hydraulic pump is a mechanical source of power that converts mechanical power into hydraulic energy. Hydrostatic energy, that is flow or pressure. तो hydraulic pump क्या है? Mechanical source है जो मैकेनिकल पावर के थ्रू से हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्शन करता है. दैट्स वाटर को फ्लो भी कर सकता है और प्रेशर भी जनरेट कर सकता है. इट जनरेट्स फ्लो विथ इनफ पावर टू ओवरकम प्रेशर इंड्यूस्ड बाय द लोड एट द पंप आउटलेट. तो ये क्या करेगा? आपका इनफ पावर जनरेट, प्रेशर प्रोड्यूस होगा जिससे आप किसी भी टाइप का लोड कैरी कर सकते हैं बाय दिस पंप आउटलेट. When a hydraulic pump operates, it creates a vacuum at the pump inlet, which forces liquid from the reservoir into the inlet line to the pump, and by mechanical action delivers this liquid to the pump outlet and forces it into the hydraulic system. तो ये जो चीज है, ये आपने 4 सेमेस्टर में हाइड्रोलिक सब्जेक्ट के अंदर, फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर हाइड्रोलिक पंप्स देखे. तो हाइड्रोलिक पंप्स, उसी पंप्स की हम बातें करते हैं फॉर हाइड्रोलिक सिस्टम के लिए. तो हाइड्रोस्टैटिक पंप्स क्या होते हैं? तो हाइड्रोस्टैटिक पंप्स आर पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप. हाइड्रोस्टैटिक पंप्स आर पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप्स, व्हाइल हाइड्रोडायनामिक पंप्स कैन बी फिक्स्ड डिस्प्लेसमेंट पंप इन विच द डिस्प्लेसमेंट फ्लो थ्रू द पंप पर रोटेशन ऑफ द पंप. पंप का जितना रोटेशन उतना ही फ्लो डिस्चार्ज होगा. कैनॉट बी एडजस्टेड और वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट पंप्स विच हैव ए मोर कॉम्प्लिकेटेड कंस्ट्रक्शन दैट अलाउज द डिस्प्लेसमेंट टू बी एडजस्टेड. हाइड्रोडायनामिक पंप्स आर मोर फ्रिक्वेंट इन डे टू डे लाइफ. हाइड्रोडायनामिक पंप्स आप बहुत ज्यादा जगह पे यूज करते हैं डे टू डे लाइफ में. Hydrostatic pumps of various types all work on the principle of Pascal's law. तो आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है,
आपको फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर का पास्कल लॉ याद करना। उस पास्कल लॉ के वजह से आपका हाइड्रोस्टैटिक पंप वर्क करेगा। आइए देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोलिक पंप्स। तो हाइड्रोलिक पंप्स इस तरह से क्लासिफाई किया जाता है। पंप्स का दो टाइप्स होते हैं, एक डायनामिक और एक पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। तो डायनामिक में आता है सेंट्रीफ्यूगल और स्पेशल इफेक्ट। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप्स आपने ऑलरेडी पढ़े हैं, जिसमें होता है एक्सियल फ्लो, मिक्स फ्लो एंड पेरिफेरल। स्पेशल इफेक्ट में आता है जेट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो ये डायनामिक फ्लो वाले जो पंप्स है, ये आपने फ्लूइड मैकेनिक्स में ऑलरेडी पढ़ चुके। अब हम देखते हैं, बात करते हैं पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप की। ये जो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप है, यही हमारे हाइड्रोलिक सिस्टम के काम आएगा, जिसमें होगा रेसिप्रोकेटिंग और रोटरी। रेसिप्रोकेटिंग में पिस्टन और प्लंजर की अरेंजमेंट अगर होती है, दैट इज ए रेसिप्रोकेटिंग। और दूसरा है डायफ्राम, जिसके वजह से आपको इसके स्लाइडिंग इफेक्ट से वाटर को प्रेशराइज करके सेकंड साइड में हाई प्रेशराइज करके डिस्चार्ज करना। और दूसरा होता है रोटरी, दैट इज ए ऑब्जेक्ट। क्या होगा आपके पंप का जो डिस्प्लेसमेंट होगा, वो रोटेशन मोशन के वजह से आपको हाई प्रेशर प्रोवाइड करके देगा एट ए डिस्चार्ज लेवल। तो इसमें भी टाइप्स होते हैं, सिंगल रोटर, मल्टी रोटर, और रोटरी टाइप्स के बहुत सारे पंप्स आपको पढ़ना। ओवरव्यू ऑफ लास्ट लेक्चर। तो लास्ट लेक्चर में हमने यूनिट 1 को प्रिपेयर किया है, और बात करते हैं लास्ट लेक्चर की। तो हमने डिस्कस किया डिफरेंट टाइप्स ऑफ आईएसओ सिंबल्स यूज इन हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स, हजार्ड एंड सेफ्टी इन हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक। आइए देखते हैं गियर पंप। तो गियर, ये इस नाम से ही पता चलता है कि इस पंप के अंदर गियर का यूज करेंगे। तो आपको पता है कि गियर एक मैकेनिकल कंपोनेंट है, जिसके मशीन के वजह से पावर ट्रांसमिट होता है। वही मशीन हम यहाँ पे फ्लूइड को लिफ्ट करने के लिए और प्रेशराइज करने के लिए यूज करेंगे। तो आइए देखते हैं, गियर पंप यूजेस द मेशिंग ऑफ गियर्स टू पंप फ्लूइड बाय डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो गियर पंप है, ये मेशिंग ऑफ गियर्स का इफेक्ट ही फ्लूइड डिस्प्लेसमेंट के लिए यूज करेगा। तो देखिए इस एनिमेशन में कि आपको यहाँ पे दो गियर मेशिंग हो रहे हैं, दो गियर्स आपस में मेशिंग है, वन इज ए ब्लू एंड सेकेंड इज ए येलो। तो इसमें पावर ट्रांसमिशन चालू है, एक आपका ड्राइवर है, दूसरा ड्रीवन है, यानी एक में मोटर फिट है जिसकी वजह से ये रोटेट हो रहा है, और इसके रोटेटिंग इफेक्ट से ही सेकंड गियर मेशिंग में रोटेट हो रहा है। तो जैसे ही इसमें फ्लूड आता है, इस इनलेट से फ्लूड आ रहा है और इस आउटलेट से फ्लूड जा रहा है। तो इनलेट से जैसे ही फ्लूड आते हैं, तो इस गियर के टीथ के बीच में जो स्पेस है, उसमें फ्लूड ट्रैप होता है। ये ट्रैप फ्लूड सेकंड साइड में जाते जाते प्रेशराइज होता है, और प्रेशराइज होने की वजह से वो आउटसाइड में 400 बार तक का प्रेशर इस गियर पंप से डिस्चार्ज होता है। फ्लूड एरिया ज़्यादा है, प्रेशर कम है। जैसे जैसे ये इसमें ट्रैप होकर मूव करेगा, वैसे वैसे इसका प्रेशर इंक्रीज होगा और ये अदर साइड में जाके डिस्चार्ज देगा। तो ये इस साइड से में भी वो
फ्लूड ऑयल आपका ट्रैप्ड होके प्रेशराइज हो रहा है और सेकेंड गियर से भी ये ट्रैप्ड होके सेकेंड साइड में जा रहा है. दैट इज द एनिमेटेड एक्सटर्नल गियर पंप. तो इस पंप को हम एक्सटर्नल गियर पंप इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि इन दोनों गियर की जो मेशिंग है ये एक्सटर्नल है. तो इसका हम एग्जाम में ड्रॉ करने के लिए पॉइंट ऑफ व्यू डायग्राम देखेंगे विद इट्स लेबल. तो ये आपका एक ड्राइवर है, ये ड्रीवन है. जो भी आप कोई भी एक को ड्राइवर कर सकते हैं और दूसरा उसके साथ मेश होने की वजह से ड्रीवन होगा. दैट इज अ सक्शन लाइन डिस्चार्ज. आप सक्शन लाइन को इनलेट बोल सकते हैं और डिस्चार्ज साइड को आउटलेट भी बोल सकते हैं. इस गियर पंप के ऊपर आउटर जो कवरिंग रहेगी ताकि ऑयल जो ट्रैप्ड होके बाहर निकलेगा तो इसमें अगर कवरिंग नहीं है तो वो एटमोसफियर में स्प्रेड होगी. तो आपको क्या करना है, उस पर एक कवर लगाना है और कवर का नाम रहेगा केसिंग. तो एक आपका मास्टर गियर रहेगा, दूसरा आपका स्लीव गियर रहेगा और ये आपके गियर की टीथ. एक ड्राइव रहेगा, दूसरा ड्रिवन रहेगा. ऐसा भी आप इसको लिख सकते हैं. इट इज अ सिंपल वर्किंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सटर्नल गियर पंप. आइए डिस्कस करते हैं गियर पंप का दूसरा टाइप, इंटरनल गियर. जैसे ही बात आती है इंटरनल तो आपका जो मेशिंग रहेगा गियर का वो क्या रहेगा, इंटरनली रहेगा. तो एक गियर दूसरे गियर के अंदर इनसाइड रहेगा और वो अपने रोटेटिंग इफेक्ट से ऑयल को ट्रैप करके प्रेशराइज करेगा. आइए देखते हैं इसके बारे में. एन इंटरनल गियर पंप मूव्स ए फ्लूइड बाय रैपिडली इंक्लोजिंग ए फिक्स वॉल्यूम विद इन इंटरलॉकिंग गियर्स. तो गियर कैसा रहेगा, एक दूसरे के अंदर इंटरलॉक रहेगा. ट्रांसफरिंग इट मैकेनिकली टू डिलीवर ए स्मूथ पल्स फ्री फ्लो प्रोपोर्शनल टू द रोटेशनल स्पीड ऑफ इट्स गियर. तो गियर के रोटेशनल स्पीड से डिपेंड करता है आपके फ्लूड का प्रेशर. तो आइए देखते हैं इसी इंटरनल गियर के बारे में कि जो हमें एक एनिमेशन से क्लियर होगा. तो यहाँ पे जो ब्लू कलर का शो हो रहा है वो इनलेट वॉल है और यहाँ पे रेड कलर का जो शो हो रहा है वो आउटलेट वॉल है. जैसे ही इनलेट से फ्लूड अंदर आएगा, ऑयल अंदर आएगा तो क्या करेगा, ये मेशिंग ऑफ गियर्स रहेगा इंटरनल और एक्सटर्नल. तो ये इंटरनल गियर आपका छोटा रहेगा जिसमें नंबर ऑफ टीथ कम रहेगी और एक्सटर्नल गियर में नंबर ऑफ टीथ ज़्यादा रहेगी और ये दोनों एक दूसरे से आपस में इसेंट्रिक रहेगी. तो ये गियर रोटेट होगा इनसाइड का और इनसाइड का गियर रोटेट होते होते ये क्या करेगा, ऑयल जैसे ही इसके अंदर आता है तो यहाँ पे एरिया बढ़ रहा है रोटेशन के वजह से और बाद में एरिया डिस्चार्ज साइड में कम हो रहा है. तो ऑयल क्या होगा, इस गियर टीथ के अंदर ट्रैप्ड होगा और एरिया जैसे जैसे बढ़ेगा तो प्रेशर कम होते जाएगा और बाद में क्या होगा, जैसे जैसे एरिया इस गियर टीथ के बीच का कम होते जाएगा तो यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज होगा और प्रेशर इंक्रीज होने के बाद ये डिस्चार्ज साइड से पंप से डिलीवर करेगा आउटलेट प्रेशर जो प्रेशराइज रहेगा. तो इन दोनों गियर क्या है, आपस में मेश है और इंटरनली जॉइंट है पर दोनों के सेंटर्स अलग है. तो एक रोटेट हो रहा है और टीथ की वजह से दूसरा भी रोटेट होना स्टार्ट कर रहा है. बट ये हो सकता है कि इंटरनल गियर का इनसाइड स्मॉल गियर ये अपने जगह से हिल सकता है क्योंकि इसका शाफ्ट फिक्स नहीं है दूसरे गियर के साथ. तो यहाँ पे एक एलिमेंट होता है जो इसको गाइड कर रहा है तो अपने पोजीशन से इसको निकलने नहीं दे रहा है. तो ये आपका एक रोटर है और दूसरा रोटेटिंग एलिमेंट्स है. तो आइए देखते इसके एक सिंपल डायग्राम जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ड्रॉ करनी है. तो ये आपका इनलेट है. तो आपका सिंपल डायग्राम है, फ्लूड इन होगा दैट इज द इनलेट, फ्लूड आउट जाएगा दैट इज द आउटलेट. ठीक है, तो यहाँ पे एक रोटर है जो रोटेट होगा और उसके अंदर एक छोटा गियर है जिसको बोलेंगे हम आइडलर. तो वो अपने जगह पे ही रहेगा और साथ में क्या करेगा, ये दो बड़े गियर में छोटा गियर फिक्स होने की वजह से जैसे ही ऑयल इसमें आएगा तो ये दोनों के टीथ के बीच की जो स्पेस है उसमें ऑयल ट्रैप हो जाएगा. ये ट्रैप ऑयल एक जगह से दूसरे जगह पे आइडल गियर के रोटेशन और रोटर के रोटेशन में डिपेंड करेगा और ये ट्रैप होके जैसे जैसे एरिया कम होगा तो यहाँ पे प्रेशर फ्लूड का इंक्रीज होगा और आउटलेट साइड में हाई प्रेशराइज फ्लूड ये डिस्चार्ज कर सकेगा.
बट ये गियर की जो पोजीशन है वो फिक्स नहीं है, इसलिए केसेंट नाम का एलिमेंट यहाँ पे प्रेजेंट है। तो ये केसेंट इसको गाइड करता है आइडल गियर को और अपने पोजीशन से निकलने नहीं देता। दैट इज ए कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ इंटरनल गियर पंप। दिस सिंपल वर्किंग टू एक्सप्लेन इंटरनल हाउ इंटरनल गियर पंप वर्क। नाउ द टाइम इज टू डिस्कस एडवांटेजेस ऑफ गियर पंप। तो गियर पंप का क्या होता है, हाई स्पीड। यहाँ पे जो स्पीड प्रोवाइड करेंगे फ्लूइड फ्लो की वो हाई रहेगी। हाई प्रेशर, प्रेशर क्रिएट करता है अप टू 400 बार इन गियर पंप। नो ओवरहंग बियरिंग लोड्स, रिलेटिवली क्वाइट ऑपरेशन। तो ये ऑपरेशन जैसे ही आप ड्राइवर को चालू कीजिए तो आपका पंप स्टार्ट होगा। डिजाइन अकोमोडेटेड वाइड वेराइटी ऑफ मटेरियल्स। तो ये गियर पंप हम अलग अलग कंपोनेंट से मटेरियल से बना सकते हैं। डिस्कस अबाउट डिसएडवांटेजेस ऑफ गियर पंप। फोर बुशिंग्स इन लिक्विड एरिया। नो सॉलिड्स अलाउड। सॉलिड अगर पार्टिकल्स फ्लूड के अंदर गियर में मेशिंग होंगे तो ये अलाउ नहीं करेगा। फिक्स एंड क्लियरेंस, तो यहाँ का जो क्लियरेंस है वो भी फिक्स एंडेड होता है, वेरिएबल नहीं होता। अप्लीकेशंस ऑफ गियर पंप, वेरियस फ्यूल ऑयल एंड ल्यूब ऑयल्स आर यूज। केमिकल एडिटिव्स एंड पॉलीमर मीटरिंग, केमिकल मिक्सिंग एंड ब्लेंडिंग डबल पंप। इंडस्ट्रियल एंड मोबाइल हाइड्रोलिक अप्लीकेशन, लॉक्स, स्प्लिटर्स, लिफ्ट्स एटसेट्रा। एसिड्स एंड कॉस्टिक्स, स्टेनलेस स्टील और कंपोजिट कंस्ट्रक्शन, लो वॉल्यूम ट्रांसफर और अप्लीकेशन। दैट इज द ऑल ओवरऑल। तो आइए देखते हैं पंप्स। सोचिए क्या होता है पंप्स। ये टर्म्स ऑलरेडी अपने फोर्थ सेमेस्टर में हाइड्रोलिक्स में पढ़ा, कुछ सोचा? तो ये एनिमेशन आपको कुछ बता रहा है, समझने की कोशिश कीजिए। तो लोअर लेटर से लेवल से वाटर को सक करके हाई लेवल तक डिस्चार्ज करना, दैट इज द रोल ऑफ पंप। ऐसा हमने घर में भी यूटिलाइज करते हैं कि हमारा घर का अगर पानी है और हमें उसको ग्राउंड फ्लोर से हायर। Now the time is to give some assignment and that assignment is a assignment number 5. All of you note all the questions of this assignment and try to solve in your copy. Question is a describe construction and working of external gear pump. Describe construction and working of internal gear pump. Write applications of gear pump. Classify hydraulic pumps. For solving this question, watch this video again and again. If there are doubts, then contact to subject टीचर। टॉपिक्स फॉर नेक्स्ट सेशन, तो नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ने वाले हैं वेट पंप। बाय दिस लाइक, थैंक यू, हैप्पी लर्निंग, स्टे ऑनलाइन।